आज हम घर पर ही बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मिक्स चाउमीन। सबसे पहले हम एक पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर उसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल जब थोड़ा सा गरम हो जाए तब हम उसमें चॉप किया हुआ सॉसेजेस डाल देंगे। इनको हम कलर चेंज होने तक हल्का सा भून लेंगे और फिर इनको हम निकाल के साइड में अलग से रख देंगे। उसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और एक अंडे को तोड़ के उसमें हल्का सा नमक डाल के उसका हम भुर्जी बना लेंगे। इसे भी हम निकाल के साइड में अलग से रख देंगे। उसी पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल और डाल देंगे, फिर उसमें हम स्लाइस किया हुआ अनियन डाल देंगे। इसे हल्का सा भून लेंगे। कुछ वेजिटेबल्स को यहाँ हम काट के धो के रख दिए थे, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। एक बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली ऐड करेंगे और सब कुछ अच्छे से एक बार मिला लेंगे और कुछ देर पकने के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। इसी बीच हम अपना सॉस रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिला के साइड में रख देंगे। करीब 5 मिनट इसे कवर करके पकाने के बाद हम इसे एक बार चला लेंगे और चेक कर लेंगे हमारी सब्जियां अच्छे से पकी है कि नहीं। अब देख सकते हैं हमारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी है। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अच्छे से सब कुछ मिला के करीब 2 मिनट के लिए हम इसे फिर से पका लेंगे। पहले से ही हम चाउमीन को बॉयल करके रखे थे। इस चाउमीन को अभी हम वेजीज में ऐड करेंगे, साथ ही में ऐड करेंगे हमारा पहले से फ्राई किया हुआ एग और सॉसेजेस को। बहुत ही हल्के हाथों से एक बार हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। एक बार अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें हमारा पहले से बनाया हुआ सॉस को हम ऐड कर देंगे। बहुत ही हल्के हाथों से चाउमीन के साथ हमें सॉस को अच्छे से मिला लेना है। इन सबको मिलाने में थोड़ी सी टाइम लगती है, बट मिक्स चाउमीन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप अपने हिसाब से इसमें चिकन, प्रॉन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 6 काली मिर्च को इसमें हम दरदरा कूट के डाल देंगे। नमक और मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। सब कुछ अच्छे से मिला लेने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको हम कवर करके 2 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद गर्मा गर्म नूडल्स को सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर तो स्नैक्स में भी खा सकते हैं।